एक घने जंगल में कालिया कौवा उसकी पत्नी टुनटुनी और बेटी टूनी के साथ रहा करता था। वो सभी लोग बहुत लालची थे। सुनो ना जी, कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ बोलो टुनटुनी, क्या है? मैं आपके लिए ये जैकेट लाया हूँ, वो भी बंटी कबूतर को उल्लू बनाकर। दिखाओ तो जरा। वाह, अच्छा है, पर इसका पैंट किधर है? वो नहीं लाई हो? अरे एक साथ लाती तो उसको शक हो जाता, दूसरी बार लेकर आऊंगी। मामा देखो ना, कल्लू मामा जा रहा था, मैं उससे 4 चॉकलेट खरीद के लाई हूँ। माँ तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अरे ना मेरी बेटी, तू तो अपने माँ पर गई है, मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। अच्छा आ जाओ सब, मैंने खाना लगा दिया है, तुम दोनों खा लो, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया नदी के पास काम करने के लिए चली जाती है और उधर टिया चिड़िया के साथ मुलाकात होती है और टिया बोलती है, अरे टुनटुनी तुझे पता है क्या, बुलबुली को बहुत सारा पैसा मिला है और वो लोग घूमने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। क्या, कैसे हुआ ये सब? उनके पास तो पहले इतने पैसे नहीं थे, अभी कहां से आ गए? सुना है कि उन लोगों ने कुछ दिनों पहले लॉटरी के टिकट खरीदे थे और उसी नंबर पर लॉटरी लग गई है पूरे 1 लाख रुपए की, और उससे उन्होंने एक हवाई मोटर खरीद लिया है और उसी में वो लोग घूमने जा रहे हैं। बाप रे, बुलबुली का तो किस्मत ही खुल गया, और हम लोगों को देखो क्या हाल है, फूटी किस्मत। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया और टिया चिड़िया अपने अपने घर लौट जाती है। रात को टुनटुनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, काश हमें भी लॉटरी लग जाती तो हम भी घूमने जाते न्यूयॉर्क, लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं जिससे हम लोग घूम सके। हे भगवान मेरी मदद करो कि मुझे भी लॉटरी लग जाए। ऐसे ही 1 महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास एक कॉल आती है। हेलो, आप कौन? हेलो मैम, आपके नंबर पे पूरा 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या बोले, पूरे 1 करोड़ की? हाँ मैम, आपने ठीक ही सुना, पूरा 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, पर ये इनाम पाने के लिए आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे पति से बात करती हूँ, फिर आपको कॉल करूँगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया नाचते नाचते अपने पति कालिया कौवा के पास जाती है और खुशी के मारे बोलती है, ओजी सुनते हो, हमारा तो किस्मत ही खुल गया, हमें 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, पर हमें उसे पाने के लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ेंगे। अरे ए टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात, 1 करोड़ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन ही उस नंबर पे टुनटुनी चिड़िया कॉल लगाती है। हेलो हेलो, मुझे इनाम पाने के लिए कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? ज्यादा नहीं मैम, बस 1 लाख। मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ, आप बस उस नंबर पे जीपे कर दीजिए, हैं? और अगले ही दिन आपके बैंक अकाउंट पे पैसा जमा हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया लालच में आकर सब कुछ भुलाकर कालिया चिड़िया के साथ अपने घर बेच देती है और 1 लाख रुपया उस फ्रॉड नंबर पे भेज देती है और अगले दिन 1 करोड़ के लिए इंतजार कर रही होती है। माँ, पैसा मिलने के बाद मेरे लिए नया ड्रेस खरीद देना और बहुत सारे खिलौने भी। हाँ हाँ बेटी जरूर। टुनटुनी, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और इस पैसे से एक फ्लैट खरीदेंगे, अपनी बेटी टुनी को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे।
हाँ जी, और हम तो एक हवाई मोटर खरीदेंगे और उसे घूमने भी जाएंगे। हाँ टुनटुनी, हमारी तो किस्मत खुल गई और हम गरीब नहीं रहेंगे, बस पैसा आने की देरी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी की बैंक में कोई पैसा नहीं आता है। टुनटुनी चिड़िया और कालिया कौवा चिंतित हो जाते हैं। कालिया जी, हमें तो डर लग रहा है, कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है ना? हाँ टुनटुनी, मुझे भी लग रहा है, अब तो हम लोगों के पास घर भी नहीं है, क्या होगा हमारा। तभी टुनटुनी को उसी नंबर से कॉल आता है। अरे अरे देखिए जी, उस नंबर से कॉल आया है, लगता है हमारे पैसे अभी आने वाले हैं। हेलो, बोलिए, आपने मेरे पैसे हमारे बैंक में भेज दिए? मैम, आपकी फोन पे एक OTP जाएगा और अब हमें वो OTP बोलिए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट पे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। तभी टुनटुनी चिड़िया के फोन पे एक OTP आता है। उसे भेजते ही टुनटुनी चिड़िया के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहे, पूरे लुट गए कालिया जी। क्या हुआ टुनटुनी? वो फ्रॉड थे, हमारे सारे पैसे लूट लिए, जो अकाउंट में थे वो भी ले लिए, हम तो पूरे बर्बाद हो गए, हमारी तो फूटी किस्मत निकली। टुनटुनी चिड़िया और कालिया चिड़िया दोनों रोने लगते हैं और अपने लालच के लिए पछताते हैं। तो इसे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, कि लालच बुरी बला है। सुंदरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी, बड़ी बेटी टूनी और छोटा दोनों बच्चे टिया और सोनू। टूनी, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, तुम अपनी भाई बहनों की ख्याल रखना। ठीक है माँ। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। टिया, सोनू, तुम दोनों घोंसले में ही रहना, बाहर नहीं निकलना। दीदी, हमें भी आप जैसा उड़ना है, हमारे पंख कब आएंगे? हाँ दीदी, हमको भी आपके साथ खेलना है, घूमने जाना है। कुछ दिन रुक जाओ, जल्दी ही तुम्हारी भी पंख आ जाएंगे, तब हम सब एक साथ खेलेंगे। ये लोग जब आपस में बातें कर रहे थे, तभी उधर बंटी चिड़िया आ जाता है। बच्चों, क्या बातें हो रही हैं? पापा, टिया और सोनू भी हमारे साथ उड़ना चाहते हैं, पर अभी तो उन लोगों के पंख भी नहीं आए। हाँ 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 बच्चों, तुम भी खेलोगे, रुक जाओ कुछ दिन। पापा, दूर वो कैसी आवाज है? जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, मैं तो वहीं से आया। सब चिड़िया लोग बोल रहे थे कि ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो हमारे घर अब नहीं रहेंगे, क्या होगा हम चिड़िया लोगों का। पापा, ये इंसान लोग ऐसे क्यों हैं? टुनी, तुम चिंता मत करो, जाओ खेल के आओ, मैं टिया और सोनू की देखभाल करता हूँ। ठीक है पापा। और उधर टुनटुनी भी घर चली आती है। आप आ गए, टुनी किधर है? अरे उसको तो मैं खेलने के लिए भेज दिया, छोटी बच्ची है, अभी तो खेलने की उम्र है, ऊपर से हम इतने गरीब हैं कि उसको एक खेलने के लिए खिलौना तक नहीं दे सकते। आप ये कैसी बात बोल रहे हैं? आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। छोड़ो वो सब, तुम कहाँ थी? पास में ही, सुना है कि जंगल में बहुत सारे लोग आए हैं और वो बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। हाँ ठीक ही सुना है तुमने, ऐसा चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो 3 बच्चे हैं, क्या होगा उनका। ये बोलते ही टुनटुने चिड़िया की आंखों से पानी गिरने लगती है। तभी बंटी चिड़िया टुनटुने चिड़िया को गले लगा लेती है।
कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है। तब हे भगवान, ये इंसान तो सारे पेड़ काट दिए हैं। एक दो दिन में तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बंटी चिड़िया से बोलती है, बंटी जी, आज तो कुछ भी खाना नहीं मिला। ये इंसान सब फलों के पेड़ काट दिए। अब क्या खाएंगे हमारे बच्चे? मैं भी वो बात सोच रहा था। टूनी, टूनी, कहाँ हो तुम? माँ, दीदी तो खेलने के लिए चली गई है। माँ, हमें भूख लगी है। माँ, भूख लगी है। माँ, मैं आ गई। आज से तुम खेलने नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। अरे तुम इंसानों का गुस्सा उस पे क्यों निकाल रही हो? मैं देखता हूँ, कुछ फल मिल जाए तो। आप ही बिगाड़ रहे हो बच्चे को। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये बोलकर बंटी चिड़िया जंगल के अंदर चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया घर में बैठकर रो रही है। टूनी, तुम रो क्यों रही हो? जंगल की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे बाहर जाने से मना की है। मैं फल ढूंढने जा रही हूँ। टूनी, तुम टिया और सोनू का ख्याल रखना। ठीक है माँ। और तभी टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। ये देखकर बंटी भी टूनी से कहता है, बेटी टूनी, तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो और अपना ख्याल रखना। टूनी चिड़िया खुश होकर अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है और खेलते खेलते दूर चली जाती है और देखती है कि उधर बहुत सारे फलों से भरा हुआ पेड़ है। सामने नदी है और आसपास बहुत सारे पेड़ भी है। ये जगह तो हमारे घर के लिए अच्छा है। आज ही माँ पापा को बुलाऊंगी इधर एक घर बनाने के लिए। टूनी नदी के पास बैठी हुई ये सब सोचती है। तभी उधर जंगल में भयंकर चीज घट जाती है। टुनटुनी की पेड़ आज कटने वाली है और ये खबर बंटी को पहले से ही था। आज हमारा पेड़ कटने वाला है, ये दोनों तोड़ नहीं सकते हैं। टूनी को तो मैंने ऐसे ही बाहर निकाल दिया है, अब हमारी किस्मत में जो है वो देखा जाएगा। बोलते ही बोलते वो लोग पेड़ काटना चालू कर देते हैं। पापा, पापा, हमें बचाओ। ये क्या हो रहा है? कोई हमें बचाओ। इंसान पेड़ काटने लगे हैं, हमारा घर गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम मेरे पंख के नीचे आ जाओ। पापा, उसे रोकिए पापा। ये बोलते ही बोलते पेड़ गिर जाती है और बंटी अपने दोनों बच्चों के साथ मर जाता है। उसके बाद टुनटुनी लौट कर आती है और ये सब देखती है। ये क्या हुआ? मेरे बच्चे, मेरे पति। तभी टूनी भी आ जाती है। माँ, ये कैसे हो गया? पापा, सोनू, टिया, हम तो एक साथ खेलने वाले थे। उठो सोनू, उठो। वो इंसान ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया है बेटी। हमारे लिए और कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे हम चिड़िया भी खत्म हो जाएंगे।